हाँ, सो लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट समझा था पोलर रिप्रेजेंटेशन राइट एंड आर्गन प्लेन का कंसेप्ट समझा था। एक्चुअली जैसे मैंने बताया था कि आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट बुक में तो गिवन है, लेकिन उसके बेस के न्यूमेरिकल गिवन नहीं है। फिर भी मैंने एक दो एग्जांपल से तुम्हें बताया था कि अगर कोई आर्गन प्लेन, मतलब जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है वो, और आर्गन प्लेन है वो, उसमें क्या डिफरेंस है। कुछ नहीं, वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं हम वाई एक्सिस पे, वही डिफरेंस है और उसको अब हम आर्गन प्लेन बोलते हैं। और दूसरा पोलर रिप्रेजेंटेशन तो कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन में तो हम पॉइंट को बोल देते हैं एक्स कोमा वाई, लोकेशन उसकी, लेकिन पोलर रिप्रेजेंटेशन में हम बोलते हैं एक्स आर कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, एक्स आर साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ओके, बट उसके साथ क्या आएगा, आई। ओके, सो वो वैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर कैसे लाते हैं, तो उसके लिए हमने देखा था कि अगर हमें ढूंढना है पोलर रिप्रेजेंटेशन तो हमें दो चीज पता होनी चाहिए, एक तो आर पता होना चाहिए और दूसरा थीटा पता होना चाहिए, क्योंकि वही है आर एक्स आर कॉस थीटा एंड आई वाई आर साइन थीटा। ओके, वही है। सो आर और थीटा पता होना चाहिए। आर कैसे मिलेगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैसे हमें आर मिल जाएगा। और थीटा कैसे मिलेगा, तो मैंने बताया था ट्रिक कि थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा होता है, पहले तो अल्फा ढूंढेंगे हम, जो हमारा अल्फा क्या है, हमारा अल्फा कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, छोटा सा एंगल, ओके, 90 से कम वाला। तो वो अल्फा जो था उसका हमने फॉर्मूला निकाला था, ओके, दैट इज टेन अल्फा दैट इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ अवर कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय द रियल पार्ट, मतलब वो वाई बाय एक्स था वही है, तो वाई में इमेजिनरी एंड डिवाइड बाय रियल, एंड वो फिर हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो हमें वहां से मिलता अल्फा। अभी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो हमारा अल्फा होता है वही हमारा क्या होता है, थीटा। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हमारे लिए फॉर्मूला है थीटा के लिए, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। ओके, क्योंकि अल्फा हमेशा छोटा रहेगा, तो पूरा अगर मैंने बताया था कि वो फॉर्मूला भी कैसे आए। ओके, जैसे कि ये हमारा अल्फा है, तो अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो जो अल्फा है वही मेरा क्या है, थीटा। लेकिन अगर मेरा यहां पे है तो अब देखो कि ये अगर मैं ऐसे मूव करूं, ऐसे अगर मैं मूव करूं तो ये अगर मैं अल्फा ले लूं तो अल्फा तो एक्यूट एंगल है, तो ये तो 90 डिग्री से बड़ा हो गया, इसलिए मैं इसको अल्फा ना लेकर इसको अल्फा ले रहा हूं और इसको क्या ले रहा हूं, थीटा। तो थीटा क्या मिलेगा, पाई माइनस अल्फा। ओके, वैसे ही अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो अगर मैं इतना बड़ा अल्फा एंगल तो लेने से रहा, क्योंकि वो तो फिर 90 से बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं इतना बड़ा अल्फा नहीं ले रहा हूं और सिर्फ इतना अल्फा ले रहा हूं। सो ये अल्फा है, अब उसको डिनोट करना हो तो कैसे करेंगे, पाई प्लस अल्फा और से माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। ओके, ये पाई प्लस अल्फा बोल दो तो यहां पहुंच जाओगे, या फिर कैसे पहुंच जाओगे, ऐसे आओगे तो नीचे, तो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, मतलब माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, माइनस पाई मतलब यहां उसमें से भी अल्फा माइनस, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाए, डन। ये हमने देखा था। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस थीटा और थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, डन। ये हमने देखा था, यहां से हमें आर की और थीटा की वैल्यू मिल गई, तो कोई भी हमारा कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में है उसको ही हम आर कॉस थीटा कॉमा आई आर साइन थीटा, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो हमें मिल जाएगा पोलर रिप्रेजेंटेशन, डन। ओके, तो बुक में आई डोंट नो व्हाई कंसेप्ट गिवन है, न्यूमेरिकल नहीं गिवन है, लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंगली वॉट एवर जैसा बुक में गिवन है वैसे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाए तो कैसे करेंगे वो मैंने तुम्हें समझाया, अंडरस्टूड, पक्का। ओके, चलो तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, लास्ट एक्सरसाइज है हमारी मिसेलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल, तो क्या बोल रहे हैं, इवेल्युएट करो, तो ये तो हमने किया ही है इससे पहले ही। ओके, वैसे ही न्यूमेरिकल है, I इज इक्वल्स टू 18 प्लस 1 अपॉन I होल रेज टू 25 होल का क्यूब। ओके, तो क्यूब मतलब a प्लस बी टू दी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन पहले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दे, तो सिंप्लीफिकेशन क्या करेंगे, I रेज टू 18 है तो उसको हम लिखते हैं क्या, I रेज टू 4 के वाले फॉर्म में, सो 4 4 4 4 16 प्लस 2, डन। ओके, वैसे लिखेंगे
प्लस यहाँ पे 1 raised to 25 हो जाएगा, वो तो 1 ही रहेगा, और दूसरा क्या हो जाएगा i raised to 25 को हम लिखेंगे i raised to 4k, और k क्या हो जाएगा 6 plus 1, तो 4 6 26 प्लस 1 25 हो गया 1 raised to 25 और i raised to 25 होगा, 1 raised to 25 1 ही होगा तो उसको 1 ही लिख दिया है, i raised to 25 को ये रहा लिखा, देन होल रेस टू क्या है क्यूब, ओके सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ये तो हमारा है i raised to 4k, ये तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया ही, i raised to 4k की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको हम अगर एक स्टेप और लिखना हो तो लिख सकते हैं i raised to 4k into i raised to 2 प्लस 1 अपॉन i raised to 4k into i raised to 1, ओके टू द होल क्यूब, सो ये क्या हो जाएगा i raised to 4k की वैल्यू 1 into i square की वैल्यू क्या है -1 प्लस 1 अपॉन i raised to 4k की वैल्यू 1 इंटू आई की वैल्यू, तो आई ही रहेगी, आई की वैल्यू क्या रहेगी आई ही रहेगी, डन, तो अब आई की वैल्यू आई रहेगी, तो ये तो अटपटा हो गया हमें समझो, नीचे आई चाहिए ही नहीं, रैशनलाइज कर देते हैं, तो हम आई से रैशनलाइज कर देते हैं, डन आया समझ में, आई से रैशनलाइज कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या -1 into -1 -1, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ऊपर क्या रहा आई डिवाइडेड बाई नीचे क्या रहा आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 टू द होल क्यूब, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, ये माइनस यहाँ आ जाएगा -i टू द होल क्यूब, डन समझ में आया, ये तो हमने सॉल्व किया था न्यूमेरिकल, याद है ना माइनस को बाहर निकाले थे, सो वैसे ही करना है, तो वैसे ही ये न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाएंगे, क्या माइनस कॉमन निकाल लिया और फिर अंदर क्या बच गया 1 plus i, देखो तो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस और ये माइनस दोनों माइनस हो गए, और रेस टू क्या होल क्यूब ऐसे लिख दिया इसको, ओके अब -1 raised to cube है तो वो तो माइनस हो जाएगा, -1 लिख दो चलो अभी, और इसका क्यूब क्या होगा, तो इसका क्यूब पता है a प्लस b टू दी होल क्यूब, तो वो फॉर्मूला हमें पता है a का क्यूब सो 1 का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब i का क्यूब प्लस 3ab मतलब 3ab into a प्लस b into a प्लस b, डन ये हमारा पूरा फॉर्मूला, सो माइनस 1 तो है ही, इसको भूल मत जाना नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, i का क्यूब क्या हो जाएगा आई का क्यूब मतलब आई स्क्वायर इंटू आई, आई क्यूब मतलब आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है और आई तो माइनस आई आएगा, ओके यस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -i, ये क्या है 3 into 1 3, 3 into i 3i, तो प्लस 3i है यहाँ पर, प्लस 3i है वो अंदर जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3i into 1 3i ही आएगा, ओके देन 3i into i तो हो जाएगा 3i का स्क्वायर प्लस में 3i का स्क्वायर, और i का स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम -1, तो वो टोटल हो जाएगा क्या -3, डन, वैसे तुम एक एक स्टेप और बड़ा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स अलॉटेड, तो अब ये माइनस अंदर भेज रहे हैं, भेज दे अभी से भेज देते हैं, चलो माइनस अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ये -1 हो जाएगा, ये प्लस आई हो जाएगा, ये -3i हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, सो आंसर क्या आया 3 - 1 2, और ये कितना आया -2i, डन दैट्स इट, हमें करना क्या था इवेल्युएट द वैल्यू, तो वैल्यू हमने इवेल्युएट कर दी, ओके यस दैट्स इट, दिस इज द आंसर, ओके a प्लस i भी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है, देख लो आंसर पीछे, सॉरी हां बोल, सो k वाला यस राइट राइट ओके हां बोलो कौन सा k वाला, 4k वाली वैल्यू हम 1 नहीं लाते, हमने पूरा लेक्चर कॉन्सेप्ट में देखा था, पहला तो है i raised to 1 तो वो क्या होगा i, फिर होता है i raised to square तो उसको हम लिखते थे -1, यही तो हमारा आयोटा था i square is equals to -1, फिर लिखते थे i raised to cube तो वो क्या होगा i square into i, तो i square की वैल्यू है -1 into i, मतलब क्या हो गया -1 into something -i, फिर हमने ली थी i raised to 4, तो i raised to 4 मतलब क्या है i raised to, ऐसा लिख सकते हैं i square into i square, i square की वैल्यू -1, i square की वैल्यू -1, तो ये आ गया 1, तो i raised to 4 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, i raised to 4 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, अब i raised to 4k की वैल्यू भी क्या आती है 1 ही आती है, ये भी हमने देखा था कैसे कि ये i raised to 4k है, ओके i raised to 4k वेयर k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5, ओके तो जैसे कि हमने समझ लिया i raised to से यहां पर है क्या 16, कितना है 16,
तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे i raise to 4 into 4, तो आ हो गया i raise to 4 के वाले टर्म हो गया, where k is equals to what 4, तो i is equals to 4 क्या आ गया, अब i raise to 16 को हमने ऐसे लिखा तो ये i raise to 4 की वैल्यू आ गई। अब देखो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, कैसे, i raise to 4 की वैल्यू अभी तुमने निकाली 1 है, तो ये 1 into, ये दूसरा भी i raise to 4 था ना, ओके, तो दूसरा i raise to 4, दूसरा i raise to 4 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी, that is equals to 1, समझ में आया पक्का, प्लस होगा तो फिर प्लस करना पड़ेगा, जैसे कि अगर यहाँ पे 16 नहीं है 17 है, सो आई रेस टू 17, तो उसको मैं लिखूंगा आई रेस टू 16, ओके, प्लस 1, तो 16 प्लस 1 17 हो गया, डन, समझ में आया, ये क्या हो गया आई रेस टू 17 है, तो मैंने लिख दिया आई रेस टू 16 प्लस 1, अभी 16 को मैं क्या लिखूंगा, 16 को मैं लिखूंगा 4 इंटू 4, तो 4 16 हो गया, और ये है प्लस 1, तो ये हो गया, ये क्या है i raise to 4 और k की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, where k is equals to 4, तो 4 की जगह k लिख दिया plus 1, अभी बेस सेम होता है, अगर 2a raise to 2 and a raise to cube होगा तो हम क्या करते हैं a raise to 5 कर देते हैं, कैसे, अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन, तो यहाँ पे पावर का एडिशन है तो हम इससे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं a raise to 2 plus 3, इससे ये लिख सकते हैं, तो इससे ये भी तो लिख सकते हैं, ओके, तो ये प्लस वाला है तो उससे हम ये मल्टीप्लाई वाला लिख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई वाला कैसे लिखेंगे, आई रेस टू 4k इंटू आई रेस टू 1, तो 4k की वैल्यू तो 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा आई रेस टू 1, समझ में आया पक्का, तो आई रेस टू 4k की वैल्यू 1 थी, लेकिन यहां पर तो आई रेस टू 4k प्लस 1 है, तो आई रेस टू 4k प्लस 1 की वैल्यू क्या आती थी आई, कोई भी आई रेस टू 4k की वैल्यू 1 आएगी, मतलब वो अगर 4 के मल्टीपल में होगा, तो जैसे कि i raise to 8, तो i raise to 8 मतलब कैसे लिखेंगे हम, i raise to 4 into 2, तो 4 2 8 हो गया, इसकी वैल्यू 1 ही है, करके देखना हो तो देख लो, ये कितना होगा i raise to से 2 into 2 into 2 ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम i raise to 2 into i raise to 2, नहीं ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया i raise to 2 into 2 into 2, अब i square, ये क्या है i square, उसका स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर वैसे है, ओके, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस 1, उसका स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, उसका भी स्क्वायर और बस 1, डन, आया समझ में, कंसेप्ट में हमने देखा था लेकिन अभी समझ में आ गया निर्भय, डन, ओके, तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था, सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं, सो सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोल रहे हैं सेकेंड न्यूमेरिकल में, कि भाई फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z1 इनटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, तो ये हम लिखते हैं, लिखे क्या, चलो लिख देते हैं, क्या है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 ऐसा गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z1 इनटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, एक बार लिख लो, सही है, ओके, ये हमें प्रूव करना है, तो अभी और कुछ गिवन नहीं है, लेकिन बोला है कि z1 और z2 क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम विजुलाइज कर लेते हैं क्या, कि मतलब विजुलाइज इन द सेंस एज्यूम कर लेते हैं क्या, कि भाई सपोज वन कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू से a प्लस आई बी, ऐसे ही करते थे ना, और z2 इज इक्वल टू से c प्लस आई डी, डन, तो ऐसे हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि लेट अस एज्यूम दैट z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 इज इक्वल टू दिस। अब हम पहले ये LHS वाला करते हैं, तो LHS वाले में क्या है, LHS वाले में z1 इंटू z2 पहले करना है, तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कर रहे हैं z1 इंटू z2, तो क्या करना है a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, ये कर दिया, तो क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा a इंटू सी प्लस आई इंटू ए डी, प्लस यहां जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आई इंटू बी सी, और यहां क्या हो जाएगा आई स्क्वायर बी डी, डन, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सो यहाँ पे रियल वाले साथ में ले आओ, कहाँ है रियल वाले, ये रहा माइनस 1 होगा ना, तो
तो ये है ए सी आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस बी डी, और ये इसमें से आई कॉमन निकाल लो, तो आई कॉमन हो यहाँ पे क्या बचा ए डी प्लस बी सी, डन। तो ये z1 z2 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इनका मल्टीप्लिकेशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते थे, करेक्ट, ओके, क्लोजर लॉ और क्लोजर प्रॉपर्टी, यस। सो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो अब हमें पूछा क्या है कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2, तो इसका रियल पार्ट क्या है मेरा ए सी माइनस बी डी, तो दैट शुड बी इक्वल टू दिस, तो वही है देखो, ये ए क्या है रियल पार्ट ऑफ z1 ही तो है, देखो रियल पार्ट ऑफ z1 a है, तो मैं ए की जगह r z1 लिख सकता हूं रियल पार्ट ऑफ z1, क्यों, अरे क्या क्यों, ये दिखाई तो दे रहा है z1 का रियल पार्ट क्या है, यहां से अगर हम लिखे तो क्या होगा रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ से z1 इज इक्वल टू क्या है b, i नहीं सिर्फ b, ओके okay, और यहां पर रियल पार्ट ऑफ z2 है हमारा c एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 है हमारा क्या d, तो वही है, अब c की वैल्यू डालो, c की वैल्यू क्या थी रियल पार्ट ऑफ z2, तो रियल पार्ट ऑफ z2, और फिर क्या था कहां गया हमारा आंसर, ये रहा माइनस b, b की वैल्यू डालो, सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, फिर क्या था d, d की वैल्यू डालो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, तो यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू RHS, और ये था हमारा क्या LHS, डन, सिंपल है। तो करना कुछ भी नहीं था हमें, हमें सिर्फ दो कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करने थे, z1 इज इक्वल टू a प्लस ib, z2 इज इक्वल टू c प्लस id, उसके वजह तुम p प्लस iq कुछ भी लो आंसर तो यही आने वाला है। फिर बोला सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, तो हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया, फिर बोले उसका रियल पार्ट, तो LHS ले लिया रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जो मल्टीप्लाई करके आया वो, तो उसका रियल पार्ट सिर्फ इतना है, ये वाला इमेजिनरी है, तो ये रियल पार्ट ले लिया। अब हमें पता है ए क्या है भाई, z1 का रियल पार्ट ए है, सी क्या है z2 का रियल पार्ट सी है, तो उसकी जगह हमने ये लिख दिया, फिर इसकी जगह इमेजिनरी पार्ट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो वही प्रूव करना था, दैट्स इट, सिंपल, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर थ्री पर, कहाँ गया नीचे, अच्छा क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस, रिड्यूस करना है हमें टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब क्या ए प्लस आई बी में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म वही तो है ए प्लस आई बी, करेक्ट, तो हमें रिड्यूस करना है, चलो रिड्यूस कर देते हैं, क्या करेंगे वन अपॉन वन माइनस फोर आई, ओके माइनस टू अपॉन, नहीं मेरी तो नहीं लग रही थी, ऐसी कंडीशन मेरी नहीं थी, इलेवेंथ की तुम्हारी कहाँ इलेवेंथ, तो लो भाई फर्स्ट एग्जाम आ गई, हाँ अच्छा चलो, सो टू अपॉन वन प्लस आई, थोड़ा सीरियसली लो, हाँ स्टडी को निर्भय, कल के टेस्ट में भी बहुत कम मार्क्स आए हैं, कैलकुलेशन नहीं किया हिमांशु, तुमने भी न्यूमेरिकल नहीं किए, किए ही नहीं है, क्यों प्रैक्टिस नहीं की थी, हम बाकी था तो करो प्रैक्टिस करो, ओके चलो, तो ये गिवन है वन अपॉन वन माइनस फोर आई माइनस टू अपॉन वन प्लस आई थ्री माइनस फोर आई एंड फाइव, ओके तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो कैसे लाए, सिंपली जो जैसे करते हैं वैसे ही आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले क्या लग रहा है एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वन प्लस आई माइनस, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस टू है और वन माइनस फोर आई यहाँ पर आ जाएगा, और एलसीएम लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस फोर आई और दूसरा है वन प्लस आई, डन, इसमें कोई डाउट, डन, निर्भय एलसीएम लिया है, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और नीचे वो आ गया, ओके तो ये एलसीएम ले गया और ये हमारे पास है थ्री माइनस फोर आई डिवाइडेड बाई फाइव प्लस आई, ओके अब यहाँ पर माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वन प्लस आई माइनस टू अंदर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू फोर जा
8i डिवाइडेड बाय, यहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते तो 1 बन जा 1, 1 इंटू आई, आई माइनस 4 आई इंटू 1 तो माइनस 4i रहेगा और माइनस प्लस माइनस और इंटू आई हो जाएगा तो वो हो जाएगा 4i का स्क्वायर. ओके नाउ ये आई स्क्वायर को हटा दो तो ये हो जाएगा प्लस डन. ओके 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 5 प्लस आई. ये आई लिखते समय ठीक से लिखना, अगर आई की जगह 1 लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा. ओके ओके चलो तो यहाँ क्या बचा है 1 माइनस 2 और 1 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा माइनस 1. आई और 8i तो ये कितना हो गया 9i डिवाइडेड बाय कितना है 1 और ये प्लस 4 तो 5 और ये है प्लस आई और ये है माइनस 4i मतलब माइनस 3i. डन बस इतना ही है हमारे पास और इस साइड मल्टीप्लाई में और है हमारे पास 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 5 प्लस आई. डन अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करो माइनस 1 यहां मल्टीप्लाई, अब ये दो ऊपर है और दो नीचे है, ये माइनस 1 यहां मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस और ये तो 1 ही है तो क्या हो जाएगा 4i. डन सही क्या है 3 1 जा 3 करेक्ट है. ओके अब ये यहां मल्टीप्लाई होगा सो 9 3 जा 27 और प्लस 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 ही रहेगा 27i प्लस माइनस माइनस 9 4 जा 36i का स्क्वायर. डन ओके तो 9 4 जा 36 आई इंटू आई आई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस होल डिवाइडेड बाय क्या है अगेन 5 को यहां मल्टीप्लाई करो 5 5 जा 25 फिर 5 इंटू आई 5i माइनस प्लस माइनस 3i 3 5 जा 15i माइनस प्लस माइनस 3 इंटू दिस दैट इज 3i का स्क्वायर अगेन आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो ये हो जाएगा प्लस. डन सो क्या रहा ऊपर माइनस 3 एंड प्लस 36 मतलब 33 ये कितना है 27 एंड 4 31 तो प्लस 31i डिवाइडेड बाय 25 एंड प्लस 3 दैट इज 28 और ये है 5i और माइनस तो आंसर आएगा माइनस में 10i. डन इतना है लेकिन हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो रैशनलाइज करो. रैशनलाइज करेंगे हम किससे करेंगे 28 प्लस 10i से करेंगे 28 प्लस 10i. डन क्या हाँ हाँ निकल जाए तो निकल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो सो अब क्या करेंगे वापस मल्टीप्लाई. अरे यार बहुत लंबा जाएगा ये. चलो मैं कैलकुलेटर यूज कर लूँ. ओके तुम आराम से करना पीछे तो आई निकल जाए तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा ना क्योंकि इमेजिनरी जीरो लिखेंगे. हाँ इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है तो जीरो आई लिख देंगे. ओके सो ये क्या है 33 इंटू 28 33 इंटू 28 तो हो जाएगा 924. ओके सो 924 अब ये 33 मल्टीप्लाइड बाई 10i मतलब 330i हो जाएगा प्लस 330i फिर ये प्लस प्लस अगेन प्लस 31 into 28 कहाँ गया 31 into 28 868 into i है ना i है और ये 31 into 10 that is 310i square प्लस 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 है तो प्लस 310i का स्क्वायर. डन ओके डिवाइडेड बाय देखो अब ये तो a माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिखेंगे फिर माइनस लिखेंगे और फिर बी स्क्वायर लिखेंगे तो उसमें i भी है तो i का स्क्वायर हो जाएगा i स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 तो मतलब ये बन जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. डन एक बार समझा देता हूं देखो a प्लस ib है और a माइनस ib है तो उसका फॉर्मूला तो हमें पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. डन यही है ना फॉर्मूला हमारा सो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर
माइनस इसका क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्टली तुम ऐसे लिख सकते हो, ओके ऐसे आए जब भी तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, याद रख लेना। हाँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सो 28 का स्क्वायर 784 प्लस बी स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100 डन। ओके चलो तो आगे आगे क्या करेंगे, हम आगे करेंगे 924 प्लस 868 कितना आ गया 1792 प्लस 330 प्लस 310 अरे ये तो हो जाता है। ओके अरे नहीं यार गलत कर दिया हमने, यस 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 गलत कर दिया मैंने, इन दोनों को प्लस कर दिया। प्लस किसको करना है, इन दोनों को प्लस करना है और उसको करना है, तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन, तो वो हो जाएगा 924 माइनस 310 यस ओके तो 614 तो ये हो जाएगा 614 और ये हो जाएगा प्लस ओके तो ये हो जाएगा 330 प्लस 868 दैट विल बी 1198 I डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 884 डन ओके सो अब तो आ गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें से क्या है 2 तो हो ही रहा है तो 2 निकालो या 4 भी हो जाएगा कोई बात नहीं, 2 तो निकालो तो 2 निकालेंगे तो यहाँ पर 2 निकाल दिया तो यहाँ क्या बच गया 2 3 6 एंड 2 0 7 ओके प्लस यहाँ से 2 निकालोगे तो 2 5 4 1 8 मतलब 9 आई डन डिवाइडेड बाई यहाँ से भी 2 निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया 2 4 2 4 2 2 ये 2 2 कैंसिल करेक्ट कहाँ पर यहाँ पे 2 5 10 तो 19 तो 19 मतलब 9 18 यस 2 9 18 तो 18 मतलब 9 करेक्ट ओके 59 वेरी गुड ओके डन। और तो आगे कुछ दिख नहीं रहा है तो 4 and 4 8 and 2 10 नहीं होगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 307 डिवाइडेड बाय 442 प्लस ए प्लस आई बी सो आई और ये बी है हमारा 599 डिवाइडेड बाय 442 देख लो आंसर यही है ना ओके सो दिस इज आवर आंसर। सिर्फ न्यूमेरिकल लंबा है अदरवाइज है कुछ नहीं, एलसीएम लिया फिर रेशनलाइज किया और कैलकुलेशन लंबी है जस्ट ओके आगे बढ़ते हैं अंडरस्टूड ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी न्यूमेरिकल नंबर 4 पर। न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या बोल रहे हैं इफ x माइनस आई वाई इज इक्वल टू दिस प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस ओह चलो लिखने तो दो क्या है x माइनस आई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी ऐसा है करेक्ट ऐसा है और ये हमें प्रूव करना है देन जो प्रूव करना है अभी नहीं लिख रहा जगह कम पड़ेगी ये हमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ये लाना है। सबसे पहले तो ये स्क्वायर रूट नहीं चाहिए मुझे तो हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो यहां हो जाएगा x माइनस आई वाई टू द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू
a minus ib upon c minus ib. Then, okay. X square plus y square है ना? हाँ, तो वो हो जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा, इसको मैं लिख रहा हूं x minus iy is equals to a minus ib upon c minus ib. लिख सकते हैं, सिर्फ मैंने इसको दो बार लिखा और कुछ नहीं किया, स्क्वायर है तो दो बार लिखा, that's it. अब मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग बोथ द साइड कॉन्जुगेट. ओके, तो यहां भी कॉन्जुगेट ले लिया और यहां पर भी कॉन्जुगेट ले लिया, मतलब होल का, हाँ होल का कॉन्जुगेट. सो क्या होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा. ओके, ये प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कॉन्जुगेट की. इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, x, सिर्फ साइन चेंज करनी है, आई वाई. और ये क्या हो जाएगा, अगेन x प्लस आई वाई. डन. तो मैं दो बार है तो स्क्वायर लिख देता हूं, स्क्वायर इज इक्वल टू इसका भी और इसका भी, तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी. डन. ओके, तो बन गया मेरा ये, ये मेरा है एक इक्वेशन नंबर वन, ये मेरा है इक्वेशन नंबर टू. तो मुझे वही तो लाना था. देखो अब मैं ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, आएगा ही नहीं आएगा, रे आएगा आएगा. मैं ये दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कौन सा है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का. तो क्या हो गया, देखो यहां पर x माइनस आई वाई टू दी होल स्क्वायर, x माइनस आई वाई टू दी होल स्क्वायर, और यहां पर क्या था, x प्लस आई वाई टू दी होल स्क्वायर. डन. ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना फिर भाई. और यहां पर भी क्या है, a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी. डन. ओके, अब क्या करेंगे, ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x माइनस आई वाई x प्लस आई वाई होल का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 टू दी होल स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 9 जा आता है 36. तो अगर तुम अलग अलग करोगे कि 2 इंटू 3 दैट इज 6 और 6 का स्क्वायर करोगे वो भी 36 ही आएगा. अंडरस्टूड. ओके, सो ये हम ऐसे स्क्वायर लिख, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं हाँ या नहीं, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू दी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 और ये भी हो जाएगा 36. डन. ओके, ये अब बन गई प्रॉपर्टी. हाँ यस, इसीलिए तो किया ये, यह प्रॉपर्टी बन गई. तो यहाँ पर अभी ये साइड वाला, ये a प्लस b होल स्क्वायर थोड़ा क्या भाई, हमारा प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस ib, a प्लस b, वो हमारी हमारी प्रॉपर्टी a प्लस b इनटू a माइनस b. तो ये a प्लस b a माइनस b हमारी वो वाली प्रॉपर्टी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इनटू a माइनस b, हमारी आइडेंटिटी क्लास 8 9 10 वाली. ओके, तो ये है मेरा a, ये है मेरा b, ये है मेरा a, ये है मेरा b, तो a प्लस b a माइनस b बन गया ना. ओके, तो और यहां क्या है, देखो a माइनस a प्लस b a माइनस b अगेन वही आया, तो उसके लिए भी मैं क्या यूज करूंगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होगी, तो डायरेक्टली तुम प्लस लिख सकते हो, अभी बताया. तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर. डन. ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा. अब ये क्या है, तो ये भी है a प्लस b एंड a माइनस b, तो अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ये प्रूव करना था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर, लेट्स इट. ओके, तो क्या किया हमने, यहाँ पे यूज किया हमने कॉन्जुगेट, क्यों, क्योंकि और कोई क्या तरीका क्या है, और क्या करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ लगाते हम a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, फिर भी कुछ होता नहीं, फिर यहाँ से तुम मल्टीप्लाई करते, तो ये कहाँ से आता भाई, कॉन्जुगेट से इजीली आ गए. डन, सिंपल है. हिमांशु डन, श्योर.
नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ. क्या बोल रहे हैं फिफ्थ में कि भाई z1 इज इक्वल टू गिवन है, z1 इज इक्वल टू है 2 माइनस i कॉमा z2 भी गिवन है 1 प्लस i. 2 माइनस i 1 प्लस i और हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस 1. मोर z की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने तुम्हें बताया था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके यस. सो जेड वन जेड टू वन जेड वन माइनस जेड टू प्लस वन यस. तो वो निकालेंगे लेकिन पहले वैल्यू पुट कर देते हैं. सो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो जेड वन की वैल्यू पुट की 2 माइनस आई प्लस जेड टू की वैल्यू पुट की 1 प्लस आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड वन की वैल्यू पुट की 2 माइनस आई माइनस ऑफ जेड टू. माइनस ऑफ जेड टू मतलब ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस प्लस 1. डन. वहां पर सिर्फ ये जो वैल्यू गिवन है वो हमने पुट. ओके सो क्या हो जाएगा, प्लस आई माइनस आई तो ऊपर है 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय यहां क्या जा रहा है, क्या जा रहा है माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 तो ये हो गया 2 माइनस 2 आई. डन. तो 2 माइनस 2 आई तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस आई. 2 कॉमन निकाल लिया. डन. 2 कट हो गया तो अंदर बचा 2 अपॉन 1 माइनस आई. ये ऐसा तो चाहिए नहीं तो 1 प्लस आई 1 प्लस आई. डन. आगे हम करेंगे क्या, 2 इंटू दिस तो उसको रहने दो अभी भले ही रहता. 2 इंटू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. क्या आएगा यहां पर बी का स्क्वायर प्लस वन या माइनस वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहां पर बी क्या है वन है तो वन ही आएगा प्लस वन. कैसे देखो वन माइनस आई है और वन प्लस आई है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लो वन इंटू वन 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 इंटू आई आई माइनस प्लस माइनस आई इंटू वन आई माइनस 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 प्लस माइनस आई इंटू आई आई का स्क्वायर. तो ये तो माइनस आई प्लस आई तो गया तो ये हो गया वन और ये हो गया वन और ये है माइनस और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस वन ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन. डन. ओके सो हमारा आंसर क्या आएगा नीचे वन प्लस वन मतलब टू. हाँ मतलब टू तो ये 1 प्लस 1 2 गया और ये 2 गया तो हमारा आ गया क्या 1 प्लस i. तो भाई अब तो आता है तुम्हें मोड z का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके और से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a क्या है मेरा 1 1 का स्क्वायर बी भी कितना है 1 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2. दिस इज द आंसर ऑफ दिस. नहीं है नहीं है ही नहीं क्योंकि एग्जांपल में भी नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं होंगे. नहीं होंगे क्या, यही खत्म हो रहा है ना, हमने कौन सा किया फिफ्थ किया ना तो नहीं है. आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन के न्यूमेरिकल नहीं है. डन. ये समझ में आ गया. ओके चलो चलो सिक्स्थ क्या बोल रहे हैं सिक्स्थ में a प्लस आई बी. अरे ये तो सेम है यार, कर लोगे या करवाओ. अभी ये फोर्थ किया वाला वो वाला देख ये गिवन है समथिंग और ऐसे प्रूव करना है वही मेथड से होगा. कैसे, कॉन्जुगेट ले लो पहले a प्लस आई बी है अब कॉन्जुगेट ले लो तो a माइनस आई बी मिल जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल जाएगा और आर एच एस वाला भी प्रूव हो जाएगा. होगा या करो हो जाएगा पक्का. ओके चलो तो सेवेंथ वाले पे जाते हैं वो भी हो ही जाएगा देख लो. सेवेंथ है क्या है z1 है 2 माइनस i z2 है माइनस 2 प्लस i तो करना क्या है फाइंड
रियल पार्ट ऑफ, तो वो रियल पार्ट बाद में, पहले ये जो करना है वो कर लो। तो क्या करना है, चलो एक करवाता हूँ एक तुम कर लो, कौन सा करूँ, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड करते हैं चलो। सो वो न्यूमेरिकल नंबर अब हम करने वाले हैं सेवन, सिक्स्थ। सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ न्यूमेरिकल, डू इट योरसेल्फ। ओके अच्छा, सेवन सेवन है हमारा, जेड वन इज इक्वल टू टू माइनस आई और जेड टू इज इक्वल टू माइनस टू प्लस आई, टू माइनस आई एंड माइनस टू प्लस आई, यस। तो सेवेंथ का सेकेंड करते हैं हम, फर्स्ट डू इट, फर्स्ट क्या है तुमने तुम्हें कुछ करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन अपॉन जेड वन एंड जेड वन बार ढूंढना है, देन ऐसे ही ढूंढना है, हाँ ओके। तो सबसे पहले करते हैं क्या, जेड वन तो पता ही है, तो जेड वन बार क्या हो जाएगा, कंजुगेट टू प्लस आई, खत्म, डन। कॉन्जुगेट ऑफ जेड वन क्या हो जाएगा, बस माइनस आई की जगह प्लस आई, खत्म। अब जेड वन बाई जेड टू, जेड वन इंटू जेड वन बार करना है, तो हम करेंगे जेड वन इंटू जेड वन बार, दैट इज इक्वल टू जेड वन इंटू जेड टू बार करेंगे, जेड वन बार करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई कर लो टू माइनस आई इंटू टू प्लस आई, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आ गया, so 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 5, डन। पक्का समझ में आया, ओके। तो ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा मिला, 5 प्लस आई 0 आई, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, ओके 5 प्लस 0 आई। तो अब इसका रेसिप्रोकल, मतलब ये तो 1 अपॉन में है, सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ, वो तो बाद में ढूंढेंगे, पहले वन अपॉन तो निकाले, सो वन अपॉन क्या आ जाएगा, फाइव, डन, क्योंकि वो तो आई तो जीरो है, सो ये क्या आ गया हमारा, वन अपॉन फाइव। तो वन अपॉन फाइव आया, मतलब हमारा इमेजिन, ये वन अपॉन फाइव को कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन फाइव प्लस आई जीरो, ऐसे ही लिख सकते हैं ना, डन। तो इमेजिनरी पार्ट निकालना है, ये जो हमने निकाल दिया वन अपॉन फाइव, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो है, रियल पार्ट है वन बाई फाइव और इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो, दैट्स इट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन अपॉन जेड वन एंड जेड वन बार इतना है, समझ में आया, श्योर, पक्का, चेक कर लो आंसर, ओके चलो। तो नेक्स्ट करते हैं एथ, अच्छा एथ में क्या बोल रहे हैं, अरे थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल, अच्छा ओके यहाँ पर एथ, फाइंड द रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, भाई एक्स और वाई फाइंड करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है, ठीक है। इफ दिस एंड दिस मल्टीप्लाई करेंगे तो इज द कॉन्जुगेट ऑफ, अच्छा ये गिवन है हमें, क्या है गिवन एथ में, हमें ऐसा बोला है इफ एक्स माइनस आई वाई इंटू थ्री प्लस फाइव आई इज, मतलब इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ दिस, मतलब माइनस सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर आई का क्या कॉन्जुगेट, डन, ऐसे बोला है, फिर से पढ़ता हूं, फाइंड द रियल नंबर एक्स एंड वाई, भाई एक्स एंड वाई क्या है, रियल नंबर है, वो फाइंड करना है, ठीक है। इफ दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, तो कॉन्जुगेट ऑफ दिस तो उसको निकाल लो, कॉन्जुगेट ऑफ दैट पर्टिकुलरली मल्टीप्लाइड बाई दिस टू क्वान्टिटी, डन, एक्स माइनस थ्री प्लस माइनस, यस करेक्ट है, ओके okay? इसको सॉल्व करो, मिल जाएगा एक्स एंड वाई, चलो करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स, यहाँ पे हम देयरफॉर का साइन यूज करेंगे, थ्री एक्स प्लस 5xi, x को इसके साथ भी करेंगे ना, फिर इसको अंदर जाएंगे तो माइनस i 3y और ये हो जाएगा माइनस 5i का स्क्वायर और y, डन, दिखाई ना दे रहा हूं तो ब्लैक कर दो, ओके डन, गलती ना हो जाए, हाँ ओके, दैट शुड बी इक्वल्स टू, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस 6 प्लस 24i, डन, साइन ही चेंज करना है इमेजिनरी पार्ट का, ओके okay, तो कॉन्जुगेट मिल गया हमें, ओके नाउ माइनस सिक्स को प्लस सिक्स सिर्फ कॉन्जुगेट कैसे है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है,
रियल पार्ट को नहीं छेड़ना है. ओके सो यहाँ पे क्या बन गया, देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3x और ये वाई वाला है ना. ओके तो माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो आई स्क्वायर निकल गया माइनस वन, तो ये प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस फाइव वाई. इन दोनों में से आई कॉमन निकाल लो, सो से प्लस आई कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24i. डन. अब चैप्टर के स्टार्टिंग में हम समझे थे क्या इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, दैट इज इक्वल टू, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है. तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है. सो क्या है हमारे पास, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या है, माइनस 6, और दूसरा क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24. डन. आई को तो कंपेयर किया ना हमने, दोनों साइड आई है ना, आई लिखोगे तो दोनों साइड से कट हो जाएगा. डन. ओके सो बस दो इक्वेशन है भाई, ये तो क्वाड्रेटिक दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स और वाई मिल जाएगी. ओके तो कैसे भी करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ या कोई भी मेथड लगाओ, क्या करेंगे, एलिमिनेशन कर दो, इसको 5 से कर दो और इसको 3 से कर दो, तो 5 3 जा 15x प्लस 25y इज इक्वल टू माइनस 30 एंड 5 3 जा 15x माइनस 5 3 3 जा 9y दैट इज 24 68 72 92 करेक्ट, 3 जा है ना. डन. कितना हुआ, नहीं नहीं नहीं, हाँ करेक्ट, 72 यस 72 मैं फोर्जा कर दिया. हाँ ओके डन. ओके तो 24 आवर्स 42 एंड फिर आधा 72 करेक्ट. हाँ तो क्या है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस कैंसल्ड, 25 और प्लस है तो कितने हो जाएंगे, 34. ओके और ये कितना हो जाएगा, दोनों माइनस है तो माइनस 102 देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 102 डिवाइडेड बाय 34 है तो 2 से होगा यस, तो ये हो जाएगा माइनस 51 डिवाइडेड बाय 17 और ये हो जाएगा 17 3 जा तो माइनस 3. ओके करेक्ट है, y मिल गया, y मिल गया तो x भी मिल जाएगा, डाल दो यहाँ पर 3x प्लस 5 y की वैल्यू क्या आई, माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6, सो 3x माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 6, 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 6 9, x इज इक्वल टू 3, x और y की वैल्यू पता करनी थी, मिल गई 3 और माइनस 3. डन. ओके कौन सा था ये, एट नाइन्थ करते हैं. नाइन्थ में क्या है, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई इनटू नहीं है माइनस है 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई. हाँ वही 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 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई करेक्ट है. ओके चलो तो वो तो सिंपल है यार, ये तो एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई है 1 प्लस आई है तो स्क्वायर हो जाएगा. क्या 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 कॉमन लेना ही पड़ेगा ना एलसीएम. ओके और ये यहाँ जाएगा तो भी हो जाएगा 1 माइनस आई टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस. ओके तो ये देखो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया. अब स्क्वायर वाला करो यार, और क्या कुछ हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. डन. डायरेक्टली हो सकता है. ओके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए का स्क्वायर. ओके सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए प्लस बी एंड ए
माइनस ए माइनस बी हो सकता है ना, इसलिए तो ध्यान से करना है। डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वन। ओके करेक्ट। ओके चलो तो आगे क्या होगा, माइनस आई प्लस आई कट हो गया, बी वन प्लस वन क्या हो गया टू, यहां पर क्या होगा यहां पे करते हैं हम वन प्लस आई, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस वन माइनस माइनस प्लस आई डन डिवाइडेड बाय टू, ये टू तो ऐसे ही कट हो गया, माइनस वन प्लस वन भी कट, तो रहा क्या टू आई, सिर्फ टू आई, सिर्फ टू आई रहा, सो दैट मीन्स वो क्या है जीरो प्लस टू आई है, उसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर जीरो प्लस बी का स्क्वायर फोर डन, दैट इज इक्वल्स टू आंसर विल बी टू। ओके सिंपल था ये तो डन। चलो कहां पहुंचे हम, टेंथ, क्या बोल रहे टेंथ में, ये प्रूव करना है हम, ये जो गिवन है वही लिख देते हैं, x प्लस आई वाई टू द होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। That's it, इतना गिवन है, बाकी बड़े आगे ए प्लस बी होल क्यूब भी लगाएंगे सो क्या लगेगा, और तो कुछ है नहीं हमारे पास, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है, लगाओ ए क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, ए बी इंटू ए प्लस बी लगा रहे। ओके ये हो गया हमारा एक्स क्यूब, अरे एक्स का क्यूब देन प्लस आई का क्यूब आई स्क्वायर इंटू आई मतलब माइनस आई, तो ये हो जाएगा माइनस आई और वाई क्यूब डन, माइनस आई वाई क्यूब देन ये क्या हो जाएगा थ्री आई एक्स वाई है, ये क्या है लिख देते हैं थ्री एक्स वाई आई ऐसा है एक्स प्लस आई डन, ये सब कुछ इक्वल टू में ये चल रहा है ना भाई, ये इक्वल टू में चल रहा है यू प्लस आई वी, इक्वल टू में चल रहा है यू प्लस आई वी डन। ओके चलो तो करो मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस आई वाई क्यूब और ये अंदर जाएगा तो प्लस थ्री एक्स का स्क्वायर वाई आई प्लस 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 थ्री एक्स वाई का स्क्वायर आई का स्क्वायर डन। ओके चलो x का क्यूब माइनस आई वाई का क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई आई आई स्क्वायर माइनस वन तो माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर डन करेक्ट। ओके अब हमें क्या प्रूव करना है, u by x plus v by y is equals to this ऐसा प्रूव करना है। ओके कंपेयर कर सकते हैं ना हम, तो हम लिखते हैं लाओ कहां है x क्यूब और कौन है, ये एक है ये i वाला है ये भी i वाला है ये है एक है, तो x क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई का स्क्वायर, ये दोनों टर्म में से मैं i कॉमन निकाल रहा हूं सो प्लस i, तो बचेगा क्या 3x square y ये वाला प्लस, हाँ 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 y भी तो कॉमन नहीं, y नहीं निकालना लेकिन मुझे उसके साथ कंपेयर करना है। ओके सो 3x square y
ओके, तो यहाँ पर आई निकल गया और यहाँ पर से आई निकल गया, तो क्या रहेगा माइनस वाई का क्यूब, डन, दैट इज इक्वल्स टू क्यू प्लस वाई। हाँ क्यों नहीं कर सकते, कर ही सकते हैं ना, वो तो मुझे जिस, मुझे यहाँ पे आई अभी वी इज इक्वल टू, मैं ये पूरा बोल दूंगा ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल करने के लिए। तो अभी यू क्या मिल गया मुझे, यू मिल गया मुझे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट यू, और दूसरा क्या मिला मुझे थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, दैट इज इक्वल टू वी, डन, ओके इक्वालिटी। तो इक्वल कर दिया हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। अब देखो इसमें से x कॉमन है तो x निकाल दो इसमें से, x निकाल दिया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू यू, और ये x नीचे चला गया तो मुझे मिल गया u बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर y कॉमन निकलेगा और इसके नीचे चला जाएगा तो मुझे मिलेगा v बाई वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई, डन। तो देखो अब LHS लगाते हैं हम, LHS क्या है, u बाई एक्स है हमारे पास, v बाई वाई है हमारे पास, दोनों का सम कर दो तो LHS लेंगे हम, सो अरे ओके सो हम LHS ले लेते हैं, तो दिस प्लस दिस करना है ना, u बाय एक्स प्लस v बाय वाई, तो u क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस v क्या है, v बाय वाई क्या है हमारा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस माइनस, और थ्री और वन फोर, फोर वाई स्क्वायर, डन, यही लाना था ना, आ गया फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आर एच एस, डन, ओके, सिंपल था। दिखने में कैसा भी लगे, जैसे जितना पता है उतना आगे बढ़ते जाओ, जैसे तुम यहां पर देखोगे तो हम सोचेंगे कहां है भाई u बाई एक्स वी बाई वाई, कुछ नहीं दिखा, ए प्लस बी टू की होल क्यूब तो पता है ना, आगे बढ़ो, फिर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आगे बढ़ो, डन, ओके, तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल देख के ही तुम्हें पता चल जाएगा क्या, हाँ ये धीरे धीरे आगे बढ़ो, जो भी दिख रहा है उससे आगे बढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे करते, वैसे डन, ओके, हाँ चलो 11 ओके 11 11th में क्या बोल रहे हैं, इफ अल्फा अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ बीटा मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 1, मतलब क्या बोल रहा है, देखो अल्फा और बीटा दो डिफरेंट अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसमें अगर बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड्यूलस ऑफ बीटा की वैल्यू हमें गिवन है, वो कितनी है 1, इतना गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा अल्फा बार बीटा, लाइक ऐसे गिवन है, तो क्या करेंगे, मॉड्यूलस वाला करते हैं ना, देखो मॉड्यूलस का हमें ये पता है ना, अभी हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था z एंड z बार का मॉड्यूलस करेंगे, वो आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z टू द होल स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी देखी थी हमने, क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, उसका मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z टू द होल स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी, ना पता चल रहा हो तो कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं a प्लस आई बी, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा उसका a माइनस आई बी,
दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वहां पर भी तो वही है। क्या था मॉड्यूलस ऑफ जेड, मतलब क्या मॉड्यूलस ऑफ जेड, मतलब के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टू दी होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो गया, तो आ गया ना सेम डन। ओके तो ये प्रॉपर्टी है हमारी कॉन्जुगेट की, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ द कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर टू द होल स्क्वायर डन। ओके तो यही कंसेप्ट से आगे बढ़ते हैं। मिसेलेनियस में से ही आने के चांसेस ज्यादा है, मिसेलेनियस में से ही आने के चांसेस ज्यादा है। हाँ चलो तो हमारे पास एक मॉड्यूलस तो गिवन है, तो हम ऐसा करते हैं कैसा, ये सपोज हमारा जेड है, ये जो अंदर गिवन है वो क्या है हमारा जेड है। ओके सो ये अगर हमारा जेड है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, देखो ये बीटा माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा बीटा टू दी होल स्क्वायर, ये मॉड्यूलस ऑफ जेड टू दी होल स्क्वायर है ना, तो ये मॉड्यूलस है टू दी होल स्क्वायर, तो उसके इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, उसके इक्वल टू में हम लिख सकते हैं जेड इंटू जेड, तो ये मॉड्यूलस था उसका होल स्क्वायर क्या, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जेड, तो जेड क्या है मेरा बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बीटा, यही है जेड, तो इसका कॉन्जुगेट अब लिखना है। देखो ये जेड लिखा मैंने, क्या किया मेरे पास मॉड्यूलस था, ये प्रॉपर्टी तो पता चल गई। ओके अब मेरे पास ये मॉड्यूलस की वैल्यू फाइंड करने को बोले हैं, तो यहाँ पे ये मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस है उसका स्क्वायर करो तो ये आएगा, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि मेरे पास भी मॉड्यूलस है उसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे भी ऐसा ही कुछ मिलेगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली, तो क्या है उसमें जेड है, तो जेड है, तो जेड क्या है मेरा अंदर वाला, तो ये अंदर वाला जेड लिख लिया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है जेड बार, तो जेड बार क्या हो जाएगा, अब देखो ये पूरे का बार मतलब बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार बीटा टू द होल कॉन्जुगेट डन। कॉन्जुगेट मतलब हम साइन चेंज करेंगे, हाँ वो अभी करेंगे, वो भी हम करेंगे, आई इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, और बीटा और अल्फा वो खुद ही क्या है, वो खुद ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले ही बता दिया अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर, वो खुद ही कॉम्प्लेक्स नंबर है ये न्यूमेरिकल के लिए सर डन। ओके चलो तो क्या हो जाएगा कि ये तो है मेरा बीटा माइनस अल्फा, ये है मेरा वन माइनस अल्फा बार बीटा, अब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा बीटा बार माइनस अल्फा बार। ओके क्योंकि अब तो हम कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं ना, तो कॉन्जुगेट किसका, इसका और इसका, क्योंकि आई का करना था लेकिन आई वाला पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे बीटा का बार लगा दो, अब बीटा जो भी होगा ए प्लस आई भी उसमें हम साइन चेंज कर देंगे डन। ओके अब यहाँ क्या हो जाएगा वन का तो कुछ हो नहीं सकता, तो वन माइनस इसका क्या हो जाएगा अल्फा और बीटा का क्या हो जाएगा बीटा, अंडरस्टूड, समझ में आया क्या किया, पूरा का पूरा कॉन्जुगेट लिया है, तो बीटा का कॉन्जुगेट अल्फा का कॉन्जुगेट, वन तो हमारा रियल नंबर है और अल्फा बार जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा बार, तो उसका जगह अल्फा हो गया और बीटा की जगह बीटा बार हो गया डन। ओके अब मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई अगर हम करें तो बीटा माइनस अल्फा जो है हमारा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दी, ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं, देखो ये बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा बीटा बार ऐसे हो जाएगा माइनस बीटा अल्फा बार, फिर माइनस अल्फा बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार डन। ओके ये ऐसे दो ब्रैकेट को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे भी क्या हो जाएगा वन इंटू वन वन देन वन इंटू दैट दैट ओनली, अब ये भी मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा जैसा है वैसा ही रहेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार डन। आया समझ में पक्का। ओके अब देखो कि बीटा बीटा बार वो तो यही है प्रॉपर्टी
डन ओके तो वो क्या आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू बीटा टू द होल स्क्वायर और ये क्या हो गया प्लस अल्फा टू द होल स्क्वायर डन हाँ या ना हाँ या ना ये बीटा मॉड्यूलस टू द होल स्क्वायर ये अल्फा मॉड्यूलस टू द होल स्क्वायर बाकी का जो है वो लिख दो माइनस अल्फा बीटा बार ये वाला और माइनस बीटा अल्फा बार डिवाइडेड बाय में क्या है डिवाइडेड बाय में देखो ये पहली टर्म जो है वो मैं पहले लिख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ अल्फा टू द होल स्क्वायर इनटू मॉड्यूलस ऑफ बीटा टू द होल स्क्वायर ये क्या है ये जो है वो लिख देते हैं वापस क्या ये मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ नहीं हुई ना देखो एक बार देख लेंगे नहीं गड़बड़ तो हुई है हाँ तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो वन इंटू वन 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 इंटू दिस करेक्ट है फिर ये इंटू दिस एक मिनट हाँ और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तो अल्फा अल्फा बार इनटू हाँ करेक्ट हाँ बोलो सर पूरा मल्टीप्लाई करता हूँ इस स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं बन जाती कौन सा पूरा प्रॉपर्टी ऊपर वाला नहीं बीच में इनटू है और ऐसा कुछ है नहीं ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी नहीं है सर बीटा माइनस अल्फा और पूरे दो बीटा माइनस अल्फा है ना कहाँ है ऊपर ऊपर नहीं बार है ना वो कॉन्जुगेट है उसका कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स दोनों अलग अलग हो गए ना अंडरस्टूड ओके तो ये क्या आ गया देखो इसके लिए लिखा बीटा टू द होल स्क्वायर अल्फा टू द होल स्क्वायर और ये जो माइनस वाले टर्म थे वो यहां लिखे फिर ये जो पहला वाला लास्ट वाला था उसको पहले लिख दिया और यहां पर क्या आ गया वहां पर आ गया है हमारा प्लस वन और माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा डन ऐसे है ओके अब बीटा गिवन है तो वो वैल्यू पुट करेंगे यस सो इसकी वैल्यू क्या हो गई वन इसकी वैल्यू क्या हो गई मॉड्यूलस ऑफ बीटा की वैल्यू क्या है वन तो वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन तो ये हो गया वन प्लस अल्फा टू द होल स्क्वायर अब ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा डिवाइडेड बाय ये भी जैसा है वैसा ही रहेगा ओके लेकिन ये बीटा वन और उसका स्क्वायर वन वन इंटू दैट ही हो जाएगा अल्फा टू द होल स्क्वायर ये बीच में क्या है प्लस वन यहां पर जैसा था वैसा ही रहेगा डन फिर से देख लो ये तो जैसा है वैसा ही इसकी वैल्यू वन आ गई फिर ये प्लस वन प्लस वन ये माइनस में था और ये भी माइनस डन सर कट ही सकता है ना देखो सेम है ये वन ये रहा प्लस वन ये प्लस अल्फा टू द होल स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ अल्फा टू द होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस बीटा अल्फा बार सब कुछ सेम है तो कैंसल आंसर पूरा टर्म ही सेम है ऊपर और नीचे तो पूरा टर्म कैंसल्ड तो आंसर क्या आ गया वन मतलब हमने क्या ढूंढा है हमने ये ढूंढा है ओके सो अगर मॉड्यूलस का स्क्वायर का आंसर वन आता है तो मॉड्यूलस का आंसर भी क्या आएगा वन ही आएगा ना दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो तो भी वन ही आएगा तो इसका आंसर भी क्या आएगा वन डन बढ़िया न्यूमेरिकल था देखो क्या है सबसे पहले हमें सिर्फ इतना ही गिवन है तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी है ओके कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट दैट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ इट्स मॉड्यूलस ओके तो ये प्रॉपर्टी है लेकिन हमारे पास तो मॉड्यूलस ऑलरेडी गिवन है सो मॉड्यूलस जो गिवन है वो उसका स्क्वायर कर दो तो ये जो मुझे मॉड्यूलस गिवन है वो उसका स्क्वायर तो उसके अकॉर्डिंगली मैं ये लिख सकता हूँ जेड इंटू जेड बार तो ये मेरा अंदर वाला जेड है तो अंदर वाला जेड इंटू जेड बार तो ये जेड उसका बार तो अंदर वाला तो जो था वो इसका बार करेंगे तो बीटा बार और ये अल्फा बार वन का कुछ नहीं होगा माइनस का माइनस अल्फा बार का अल्फा और बीटा का बीटा बार अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरी टर्म आ गई तो बीटा इंटू बीटा बार करेंगे तो अगेन ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी तो आ जाएगा ये टर्म
अब ये आ गया तो मॉड्यूलस ऑफ बीटा की वैल्यू गिवन है 1, तो वहां तुम 1111 सब जगह पुट कर दी। फिर ऊपर और नीचे अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि सब कुछ क्या है, सेम ही है, तो कैंसल्ड हो गया, तो आंसर आ गया 1। इसका आंसर आया हमारा 1, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो तो दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 1। अंडरस्टूड? ओके, पक्का? यस, नहीं ऑप्शन। ओके चलो, अभी कौन सा आए हम 12th। सो 12th में ट्वेल्थ में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन गिवन है क्या, 1 माइनस i मॉड्यूलस ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 2 ऑफ x, ऐसा गिवन है, डन। इसका सॉल्यूशन निकालना है, इंटीग्रल सॉल्यूशन, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है। ओके कैसे करे, देखो स्ट्राइक हुआ, मॉड्यूलस है ना, मॉड्यूलस का यूज करते हैं। यहां पे मेरे पास z क्या है, z इज इक्वल्स टू 1 माइनस i है, मॉड्यूलस ऑफ z है, और गिवन है z रेस टू x, ऐसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा ऐसा है तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 ही है ये तो, ओके माइनस 1 है, ये क्या है माइनस 1, लेकिन वो भी प्लस 1 ही हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा रूट टू। समझ में आया क्या किया, अगर ये z है तो मॉड्यूलस ऑफ z रूट टू आएगा, ये तो समझ में आया। अब ये मेरा जो z है 1 प्लस i जो है वही मेरा z है, ओके 1 प्लस i जो है और उसका मैंने मॉड्यूलस लिया, देखो मॉड्यूलस ऑफ z, तो मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू क्या आ गई रूट टू, तो मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू क्या आ गई रूट टू, तो मैंने लिख दिया रूट टू रेस टू क्या है x। समझ में आया पक्का? फिर से z को मैंने मान लिया यहां से 1 माइनस i, मॉड्यूलस ऑफ z लेंगे तो उसकी वैल्यू हम ऐसे करके ढूंढ सकते हैं रूट टू, मतलब मुझे मिल गया मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या है रूट टू, तो z क्या था मेरा 1 माइनस i, तो 1 माइनस i की जगह मैं z लिख सकता हूं, मतलब यहां मिल गया मॉड्यूलस ऑफ z, तो मॉड्यूलस ऑफ z की जगह मैं रूट टू लिख सकता हूं, तो मॉड्यूलस ऑफ z की जगह रूट टू लिखा, तो रोल रेस टू x दैट इज इक्वल टू 2 रेस टू x, डन पक्का? श्योर? कोई डाउट नहीं है ना? ओके अब इसको इस साइड लेके आओ, तो रूट टू रेस टू एक्स माइनस टू रेस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया, इसको इस साइड लेके आया प्लस का माइनस दैट इज इक्वल टू जीरो। नाउ हाँ ये थोड़ा अटपटा है, उसको सीधा करते हैं, ये रूट टू को मैं लिख रहा हूं 2 रेस टू 1 बाई 2 होल रेस टू x, लिख सकता हूं रूट टू मतलब 1 बाई 2, तो रूट टू को लिख दिया, रूट को लिख दिया 1 बाई 2 होल रेस टू x माइनस 2 रेस टू x इज इक्वल टू 0, तो इसका क्या होगा 2 रेस टू x बाई 2 लिख सकते हैं हम इसको, x मल्टीप्लाई होगा तो 2 रेस टू x बाई 2 लिख सकते हैं माइनस 2 रेस टू x इज इक्वल टू 0। अब अगर मुझे कॉमन निकालना हो तो कॉमन कैसे निकाले, यस देखो ऐसे लिखेंगे 2 रेस टू एक्स बाई टू, ये तो जैसे वैसे, p
टू रेस टू, ये x है उसको मैं क्या लिख रहा हूं, x बाई टू प्लस एक्स बाई टू। तो देखो x को x बाई टू प्लस x बाई टू तो वो क्या हो जाएगा, 2 LCM, तो 2x by 2 हो जाएगा, 2 2 cancel, तो x आ गया ना, that means x by 2 plus x by 2 क्या होता है, x ही तो होता है, अरे 1 by 2 plus 1 by 2 1 होता है ना, तो x by 2 plus x by 2 भी क्या होगा, x ही होगा, done, 1 by 2 plus 1 by 2 1 होता है, तो x by 2 plus x by 2 क्या होगा, x ही होगा, तो मैं x की जगह क्या लिख दिया, x by 2 plus x by 2, आया समझ में, पक्का, okay, that is equals to क्या है, 0, अब और क्या कर रहा हूं मैं, माइनस, अभी ये एडिशन में है, मतलब सेम पावर होगी, 2 रेज टू x बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू x बाई टू, ऐसा ही होगा, तभी तो पावर बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, डन। अब मैं कॉमन ले रहा हूं, देखो एक कॉमन निकालने के लिए तो कितनी झंझट करनी होगी, अब ये कॉमन निकल गया, यहां पे आ गया 1 और यहां पे क्या आ गया 2 रेज टू x बाई टू इज इक्वल टू जीरो। Understood. 2 raised to x by 2 common. ये पूरा चला गया तो यहाँ 1 रहा, इसमें से एक चला गया तो एक रहा, Done? Okay. So, आगे क्या करेंगे कि भाई ये दोनों को हम मल्टीपल इक्वल टू जीरो कर सकते हैं, तो 2 raised to x by 2 that is equals to 0, और दूसरा हमें मिलेगा 1 माइनस 2 रेज टू एक्स बाई टू दैट इज इक्वल टू 0, डन। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कभी, 2 रेज टू एक्स बाई टू इज इक्वल टू 0 कभी पॉसिबल नहीं है, कोई भी तुम वैल्यू ले लो x की, वहां पे 0 तो आने ही नहीं वाला, x की तुम कोई भी वैल्यू ले लो, यहां पर बोला ही गया है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस, मतलब x की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, लेकिन x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो के अलावा तुम कुछ भी रखो, x की जगह 1 रखो तो 2 रेज टू 1 बाई 2 हो जाएगा, 2 रेज टू 1 बाई 2 मतलब क्या, रूट 2, तो रूट 2 की आंसर 0 थोड़ी होता है, समझ में आया, x की जगह 2 रख दो तो 2 बाई 2 1 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल, ओके, x की जगह कुछ भी रखो 3 रखो, 2 रेज टू 3 बाई 2 अगेन इज नॉट इक्वल टू 0, माइनस भी रखो कोई बात नहीं, 2 रेज टू माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 रखा, 2 रेज टू माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 नीचे जाएगा तो प्लस 1 बाई 2, 1 अपॉन रूट 2 अगेन 0 पॉइंट समथिंग आएगा, नियर बाय 0 भी आ सकता है लेकिन 0 आ सकता नहीं है, समझ में आया, पक्का पक्का समझ में आया, x ये पॉसिबल ही नहीं है कभी, अंडरस्टूड, सो लिख दो यहां पर दिस इज नॉट पॉसिबल, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 बाई 2 0, 2 रेज टू 0 1, वो भी पॉसिबल नहीं है, 1 इज इक्वल टू 0 गलत है, समझ में आया पक्का, ओके, अब यहां आ जाओ, तो यहां पर क्या है, यहां पर तो इजीली पता ही चल रहा है क्या है, यहां पर 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू x बाई 2 ऐसा है, करेक्ट, ओके, 1 इज इक्वल टू यहां ऐसा है, सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो 2 रेज टू 0 इज इक्वल टू 2 रेज टू x बाई 2, 2 रेज टू 0 क्या होता है 1, तो 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं ना, इधर x की वैल्यू अब मिल गया, बेस सेम है तो हम कंपेयर कर सकते हैं, x बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो x सॉल्यूशन क्या है इसका, x इज इक्वल टू 0, लेकिन उन्होंने पूछा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, यहां पर मुझे कोई भी इंटीजर चाहिए था, कोई भी 1 2 3 4 5 नेगेटिव होता तो भी चलता, -1 -2, लेकिन जीरो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहां तो एक ही सॉल्यूशन मिला और वो भी क्या आ रहा है जीरो, तो मतलब नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ पूछा है कि कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलेंगे, एक भी नहीं मिला, एक सॉल्यूशन मिला वो भी जीरो ही मिला, नॉन जीरो तो एक भी मिला नहीं, सो आंसर आएगा देयर आर जीरो नंबर्स ऑफ जीरो नंबर्स ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल
सॉल्यूशंस। डन, समझ में आया। एक सॉल्यूशन मिला, x की एक वैल्यू मिली, वो भी क्या मिली, जीरो। लेकिन हमें ढूंढनी कौन सी थी, नॉन जीरो। नॉन जीरो कितने सॉल्यूशन मिलेगी, x is equals to 1, x is equals to 2। अगर 1 और 2 दो मिलती तो हमने बोल देते कि दो वैल्यू मिली, ओके। एक मिलती तो हम बोल देते कि एक वैल्यू मिली। लेकिन यहां तो एक ही वैल्यू मिल रही है, वो भी जीरो, तो वो जीरो नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है नॉन जीरो होना चाहिए। तो नॉन जीरो तो जीरो जीरो ही मिल रहा है, और तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। देयरफॉर देयर आर जीरो नंबर्स ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये जीरो क्या है कि एक भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो नॉन जीरो हो। समझ में आ रहा है? Yes, पक्का? ये हो गया 12। नेक्स्ट क्या है? बहुत लंबा। ओके, ये गिवन है, दैट इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है, ये तो कॉन्जुगेट से ही हो जाएगा, जहां तक दिख रहा है वहां तक देखते हैं। ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ एंड जी प्लस आई एच दैट इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। डन, हाँ बोलो। इसका डाउट नहीं है। क्या क्या क्या? सम के रिलेटेड नहीं, सम के रिलेटेड नहीं है। हाँ बोलो। तो सर अल्फा और बीटा क्या होंगे? मतलब वो वाले न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ। मतलब उसमें दिया था ना कि अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि अल्फा इज इक्वल टू कुछ बोल दिया होगा उन्होंने, एक्स प्लस आई बी, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। बीटा इज इक्वल टू से वाई प्लस आई सी, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन रियली में अल्फा एंड बीटा क्या है? अल्फा एंड बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे कि ये मैं बोलूं कि भाई 2 क्या है, तो 2 एक नेचुरल नंबर है। 2 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। 2 क्या है? एक होल नंबर भी है। 2 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर भी है। ओके, तो वो सबको निकालने के लिए है ना, कि भाई नेचुरल नंबर को दिखाने के लिए हमारे पास कैपिटल एन है, होल नंबर को दिखाने के लिए हमारे पास जेड है। ओके, जेड ही है ना? नहीं, डब्ल्यू है। होल नंबर को दिखाने के लिए डब्ल्यू है, जेड तो हमारा इंटीजर के लिए। ओके, रियल नंबर को दिखाने के लिए हमारे पास आर है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने के लिए हमारे पास अल्फा है, बीटा है, जेड वन है, जेड टू है, लाइक दैट। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, चलो। हाँ, ये तो गिवन है हमें। देन शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। सो ये हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट, ऐसा लग ही रहा है। ये गिवन है हमारा, टेकिंग बोथ दी साइड कॉन्जुगेट, तो दोनों साइड कॉन्जुगेट देखो, मैं न्यूमेरिकल में ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही ले रहा हूँ। तो ये मैंने दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लिया, ये यहाँ कॉन्जुगेट ले लिया और यहाँ भी कॉन्जुगेट ले लिया, तो आंसर क्या आएगा? सबका कॉन्जुगेट करो अब, तो क्या आएगा? ए माइनस आई बी, और यहां क्या आएगा? सी माइनस आई डी, ई माइनस आई एफ, जी माइनस आई एच, और ये क्या बन जाएगा? ए माइनस आई बी। डन। अब ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा आंसर। देखो एल एच आर एच एस को ऐसे ही पता चल गया, ए प्लस आई बी एंड ए माइनस आई बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो लाना है। डन, तो ऐसे यहां भी आ जाएगा। देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा ए प्लस आई बी ऊपर वाला और ये नीचे वाला ए माइनस आई बी, फिर ऊपर वाला सी प्लस आई डी और नीचे वाला सी माइनस आई डी, फिर ई प्लस आई एफ और नीचे वाला ई माइनस आई एफ, फिर जी प्लस आई एच और जी माइनस आई एच, दैट इज इक्वल टू, ये दोनों का करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये भी पूरा आ गया हमारा, देखो ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहां पर भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इतना तीन स्टेप में खत्म मत कर देना तुम, सब कुछ लिखना। ओके, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था। डन, सिंपल है। पक्का?
चलो तो लास्ट न्यूमेरिकल 14 क्या बोल रहे हैं? हाँ, इफ 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i होल रेस टू m इज इक्वल्स टू 1 ऐसा गिवन है, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, मतलब लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m लिखनी है, डन, मतलब m की वैल्यू ढूंढनी है, इन शॉर्ट m की अभी x की वैल्यू ढूंढी वैसे ही m की वैल्यू ढूंढनी है, दैट्स इट। नहीं, LHS is equal to RHS नहीं, ये गिवन है ऑलरेडी, ये गिवन में से हमें m की वैल्यू ढूंढनी है, ये LHS is equal to RHS तो है ही ऑलरेडी है, इसमें से हमें m की वैल्यू ढूंढनी है, डन, ओके, हाँ हाँ, ये हम रैशनलाइज करके देखते हैं, रैशनलाइज करके देखते हैं, ओके, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस आई से किया है तो ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आई टू की होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डन, होल रेज टू एन इज इक्वल टू क्या है, 1 है हमारा। तो क्या आ गया, 2 आ जाएगा और क्या, वन प्लस आई वन माइनस आई होल रेस टू एम है, चलो आगे तो बढ़ते हैं देखते हैं क्या आता है, सर ये तो 1 है मतलब 1 की पावर, क्यों मतलब 1 प्लस 2ab, सो 2a इंटू बी, ओके दैट इज 2i प्लस बी स्क्वायर, 2i प्लस बी स्क्वायर, तो i का स्क्वायर वो है माइनस 1, i का स्क्वायर तो वो क्या हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या है 2 होल रेस टू क्या है m, दैट इज इक्वल टू क्या है 1, ये प्लस 1 माइनस 1 गया तो फिर ये 2 और 2 भी चला गया, तो बाकी क्या रहा सिर्फ i होल रेस टू m, that is equals to 1, done, okay, so I is equals to I raised to m, that is equals to 1, so m is equals to, yes, 4 ही आएगा, क्यों, क्योंकि I की हम 4 के value 1 आती थी, okay, ये 1 की जगह ले लो ना, ये I raised to m है, तो हम I raised to 4 के, और से I raised to 4, I raised to 4 की value क्या आती थी, 1 आती थी, हमें बेस सेम करना है ना, तो i रेस टू 4 की वैल्यू 1 आती थी, हमने अभी आज भी देखा था, i रेस टू 4 इज इक्वल्स टू i स्क्वायर इनटू i स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 इनटू माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 1, सो हो गया 1, 1 की जगह हमने लिख लिया, अब बेस सेम है तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, अंडरस्टूड, सो दैट इज द आंसर, न्यूमेरिकल कंप्लीटेड। अगर तुम सोचो क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि I raise to, सोच सकते हो तुम ऐसा, लेकिन वो सही नहीं है, I raise to m is equals to 1 था, तो इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में जैसे किया वैसे भी मैं कर सकता हूं क्या, I raise to 0 वो भी तो 1 है, I raise to 0 anything raise to 0 1 आएगा, तो ये सही है, ये अगर ये सही है तो m की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, लेकिन ये गलत है, क्यों, क्यों गलत है बताओ, यहाँ पर लीस्ट तो है ये लेकिन पॉजिटिव नहीं है, ओके,
लीस्ट मतलब कम से कम और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये इंटीजर भी है, ये लीस्ट भी है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, तो ये पॉजिटिव है, ये इंटीजर है और सबसे लीस्ट भी यही होगा। डन, तो आंसर इज m इज इक्वल टू 4। अंडरस्टूड? पक्का? श्योर? ओके, तो देखो दिखने में कैसा लग रहा था, फिर यहां आगे भी लग रहा था, अब क्या, फिर उसको सॉल्व किया तो सब कुछ कट हो गया और फाइनली आंसर आ गया। ओके, अंडरस्टूड? अच्छे से समझ में आया? तो ये था हमारा चैप्टर, इसी के साथ हमारा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर का नेम चेंज कर देना चाहिए वैसे, कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही रखना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे थोड़े बहुत भी न्यूमेरिकल्स थे वो भी इतने ज्यादा है नहीं, बहुत कुछ रिड्यूस्ड हो गए हैं। ओके, सो वट एवर, लेकिन हमारा इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हुआ, हमने मिसेलेनियस भी कंप्लीट की। नाउ योर वर्क इज एग्जाम्पल्स करो, और एग्जाम्पल्स में डाउट हो तो पूछना। ओके, तो हमारा चैप्टर 1, 2, 3, 4 चार चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं मैथ्स में, चार चैप्टर हमारे फिजिक्स में भी अबाउट टू कंप्लीट है, कल ही शायद कंप्लीट हो जाएगा, टुमारो, एंड केमिस्ट्री में भी हमारे थ्री चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो पोर्शन तो अच्छी खासी एवरेज स्पीड से जा रहा है, ओके, बट मोर देन एवरेज स्पीड से जा रहा है, लेकिन सिलेबस हमारा, लेकिन साथ साथ में तुम्हारा भी वो स्पीड से कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि यहाँ पे हम फोर्थ कंप्लीट कर रहे हो और तुम अभी फर्स्ट चैप्टर पे ही हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो अभी उठ जाओ, ये नींद में थे तुम इसलिए ऐसा हो गया, तो अभी उठ जाओ और थोड़ा हार्ड वर्क करके विद इन 15-20 डेज वो सारा जो लैग हो रहा है वो सब कंप्लीट करो, तीनों तीन सब्जेक्ट। अंडरस्टूड? बिफोर द एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर करो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आओ, पहले से एक अच्छी इम्प्रेशन, एक अच्छी इमेज बनाकर रखो स्कूल में भी। अंडरस्टूड? तो ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। नाउ अभी अगर बायो का क्लास है और तब हमारा मैथ्स का क्लास है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा हिमांशु? हमारे चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। ओके, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हिमांशु को एग्जाम में है। ओके, तो जब तक तुम्हारी एग्जाम है तब तक धीरे धीरे, जब भी बायोलॉजी का क्लास होगा तब ही पढ़ेंगे, अदरवाइज हम रिविजन भी करेंगे। ओके,